अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम लाइव फाइबर टेस्ट पास करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के फाइबर टेस्ट आए होंगे, बहुत सारों के नहीं आए होंगे। कुछ लोग जैसे हम गिग कंप्लीट करने जा रहे हैं, आगे W9 फॉर्म आ गया, आपने उस पर कर दिया कि वी आर नॉट अ USA पर्सन, और उसके बाद जैसे हम गिग पब्लिश करने गए तो उन्होंने फाइबर का टेस्ट दे दिया। ठीक है, फाइबर टेस्ट पास कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने फाइबर का टेस्ट अब पास नहीं किया, कुछ लोगों का तो ऐसे आया ना कि अगर वो फाइबर का टेस्ट पास करेंगे तो ही गिग पब्लिश होगी। कुछ लोगों की गिग पब्लिश होगी लेकिन उनका फाइबर का टेस्ट पास नहीं हुआ, वो दोबारा जब दूसरी गिग बनाएंगे तो तब आ जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि हर बंदा फाइबर का टेस्ट पास कर ले। 40 मिनट का टेस्ट होता है, 40 MCQs होते हैं। कैसे करने हैं सर? देखें, मेन चीज होती है सर हमसे पास नहीं होगा या पता नहीं उसमें पता क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल एक छोटा सा टेस्ट है, मैं आपको लाइव फाइबर टेस्ट पास करवा के दिखाऊंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और करते हैं फाइबर का लाइव टेस्ट आज पास। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब और यहाँ पर हम आज करेंगे लाइव फाइबर टेस्ट पास। सबसे पहले हम फाइवर के ऊपर जाते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट पास किया हुआ है, मैं दोबारा करके आपको दिखाऊंगा। और ये प्रोफाइल पे मैं चला गया हूँ और ये नीचे है, ये देखें मैंने टेस्ट टेकन ये लिखा हुआ है, फाइवर इंग्लिश टेस्ट मैंने पास किया हुआ है। और मैं टेक अ टेस्ट, मैं दोबारा टेस्ट देता हूँ, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये वाला फाइवर इंग्लिश टेस्ट दोबारा देते हैं और ये ऊपर लिखा हुआ है रीटेक टेस्ट, और मैं इसके ऊपर करूँगा और जो मेरा टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मैं साथ मोबाइल के ऊपर वो भी स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव टेस्ट पास करके दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो चलते हैं, हम इधर रीटेक टेस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और उन्होंने बोला ये सिलेबस है टेस्ट का, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है ये देखें 40 मिनट्स, और 40 MCQs है, 40 मिनट्स का टाइम है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि आप दूसरी विंडो ओपन नहीं कर सकते, और भी कुछ चीज़ें और आ जाती हैं इसमें, वो सारी रीड कर ले। ये लिखा स्टार्ट टेस्ट, तो हमने स्टार्ट टेस्ट कर दिया, ठीक है। और हम साथ करेंगे मोबाइल का यूज़ और कंटिन्यू करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये विंडो स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट है समंथा डिसाइडेड टू टर्न ऑन द सीलिंग फैन, तो हम सिंपली मोबाइल पे लिखेंगे SAM समंथा डिसाइडेड टू टर्न ऑन द सीलिंग फैन, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया। अब यहां पर देखें आंसर इज बिकॉज, ये देखें ना यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज, बिकॉज अनलेस एंड देयर फोर, और इनमें से आएगा बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट वॉज वार्म, तो हम बिकॉज पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपली। और अब नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो फिर इसके ऊपर हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल मिस्टर यो वॉज पेंटिंग द बेडरूम, ये देखिए। और मैंने ऊपर सजेस्ट करता हूँ गूगल पे मोबाइल पे, वो वैसे ही आ जाता है, ठीक है, आपको साथ साथ शो हो रहा होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए पेंटिंग मिस्टर केयर वाज रिमूविंग फर्नीचर फ्रॉम द, वाज रिमूविंग आएगा, वाज रिमूविंग फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये साथ ही नीचे इसका आंसर दिया होता है। और नेक्स्ट चलते हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और हम लिखते हैं बिली फेल्ड द टेस्ट, और उसके आगे फुल कोमा, और ही स्टिल पास द क्लास, ठीक है। और इसको चेक करते हैं, इवन दो आएगा, इवन दो, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और टाइम हमारे पास 38 मिनट्स रह गए हैं। और अब नेक्स्ट करेंगे मैनी पीपल हैव डिफिकल्टी, मैनी पीपल हैव डिफिकल्टी डैश दी एंट्रेंस एंट्रेंस, इसको ऐसे सर्च कर लेते हैं और ये देखते हैं, ये आएगा हमारे पास मैनी पीपल हैव डिफिकल्टी डैश दी एंट्रेंस, और इसका जो जवाब है आंसर टू पास होप इट हेल्प्स टू पास,
इसका आएगा देर इज नथिंग टू सर्च ओन पास, ठीक है, आंसर टू पास एक्सप्लेनेशन देर इज डिफिकल्टी, इसका आंसर मुश्किल से मिल रहा है, इंस्टीट्यूट टू पास ऑन पास, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुश्किल से मिल रहा है, इधर तक अभी तक तो नहीं कुछ मुझे शो हो रहा, और इसका आंसर वैसे हम लगा देते हैं इधर टू पास, टू पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, द कंपनी डिसाइडेड, द कंपनी डिसाइडेड लोगो वाज आउटडेटेड, इसका आएगा अगर देखा जाए यू आर अराइव्ड अराइव्ड थ्रू आउट अ पोस्ट, द कंपनी डिसाइडेड लोगो वाज आउटडेटेड, और इसका जो आंसर है इट्स इट, इसको पहले के ऊपर क्लिक करके हम देख लेते हैं इसका आंसर मिलता है कि हमें नहीं मिलता है। इट्स और डैट आएगा इसका, इट्स आएगा ITS, इट्स ये वाला, ठीक है, ये देखें करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। हम बैक जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I-6 और कमर्शियल जिंगल्स इन दी लास्ट, ये ऊपर आ गया, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और चूज द सीरीज ऑफ, और इसका आंसर है कंपोज्ड, एम कंपोजिंग, वाज कंपोजिंग, क्या आएगा, हैव कंपोज्ड आएगा, ये देखिए हैव कंपोज लिखा हुआ है सेकंड पे ना, ये हैव कंपोज लिखा हुआ है आंसर, हैव कंपोज्ड। और नेक्स्ट करते हैं, टाइम हमारे पास अभी भी बहुत कम, अभी बहुत पीछे है, और ये है आई विश, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश आई इट वुड स्टॉप रेनिंग सो डैट आई, ये ऑटोमेटिकली देखा, मैं थोड़ा सा गूगल पे सर्च करता हूँ मोबाइल पे, वो पूरा क्वेश्चन आ जाता है, तो इधर आएगा कुड गो वेंट, कुड गो वेंट, आई कुड गो आउटसाइड, आई कुड गो आउटसाइड, यही आता है इसका आंसर, कुड गो आउटसाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिक्चर वाज टेकन बाय एन आर्टिस्ट, ये देखे पूरा क्वेश्चन आ गया सामने हमारे, और हु इज द राइट आंसर, इसमें आता है हुज, ये देखिए लिखा हुआ है हुज इज द राइट आंसर नेक्स्ट, और इसके बाद आता है माई फ्लाइट इज डिलेड, वाज इज डिलेड बिकॉज द एयरक्राफ्ट, माई फ्लाइट इज डिलेड बिकॉज द एयरक्राफ्ट डैश्ड येट, और माई फ्लाइट बिकॉज द एयरक्राफ्ट हैज नॉट अराइव्ड येट, एयरक्राफ्ट हैजंट अराइव्ड, हैज नॉट आएगा, हैज नॉट का हैजंट भी होता हैज नॉट अराइव, ये वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसेज नरूडा, MS. नरूडा हैज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, ये उसने सजेस्ट कर दिया, टू वर्ड आएगा टू वर्ड, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया हमने। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिकॉज ऑफ द स्नो, बिकॉज ऑफ द स्नो द बस डैश येट, द बस हैजंट अराइव्ड येट, हैजंट अराइव्ड, यही है, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए कितना इजी है यार फाइबर का टेस्ट पास करना, द बर्ड हार्ट When it fell from the tree, इसको ये सजेस्ट कर दिया, इसका आंसर है हर्ट इटसेल्फ, इसका इटसेल्फ आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स होप MS नूर, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा ठीक है ना, और लेट्स होप MS नूर फाइंड्स अ जॉब, ये उसने सजेस्ट कर दिया गूगल ने, आप देखे ना मैं दोनों स्क्रीन आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ, मोबाइल की भी और लैपटॉप की भी, ठीक है ना,
और इसका है वेयर एवर, इसका आंसर है हम वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर इसका आंसर है जी, वेयर एवर। या नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन एंड बिगेन टू रेन जस्ट एज द पार्टी गोज, और इसका आंसर है एज द पार्टी वर लिविंग, वर लिविंग आएगा, वर लिविंग। और फिर ये एक और क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन, और इसका आंसर आएगा माई प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट, माई प्रोजेक्ट, माई आएगा, माई आएगा, माई। बहुत आसान है, बहुत इजी, आप लोगों ने ऐसे टेंशन लेते हैं और ऐसा कभी किसी ने करके भी नहीं दिखाया। इसका आएगा इज ब्रोकन, ये देखो मैं साथ साथ दोनों स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, टू बाय, और इसको चेक करते हैं, अ न्यू वन, अ न्यू वन, द फोन इज ब्रोकन, द फोन इज ब्रोकन, और बाय आ न्यू वन, आ आएगा आ न्यू वन, और द फोन स्टार्ट में आएगा द फोन, और फिर आ न्यू वन, द फोन और आ, ये दोनों आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी है, इट रेन्स कोमा द गैरेज फ्लड्स, और इसका जो आंसर है एवरी टाइम, मेरे ख्याल से इसका आंसर है एवरी टाइम, ये देखिए एवरी टाइम इट रेन्स। हमारा 17 क्वेश्चन है, और वो है दी एवोकेडोज, दी एवोकेडोज हैव गोन बैड, और इसका आंसर है इफ इफ इट में अ केमिकल, इसका आंसर हमें कैसे, आर द रोटन एवोकेडोज आर रोटन डैश द एवोकेडो, सम ऑफ द एवोकेडोज, इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल से मिल रहा है हमें, इसका बहुत सम ऑफ द एवोकेडो हैव गोन बैड, सम ऑफ द आएगा, ये गूगल से हमें आंसर मिल गया हमें। और नेक्स्ट है यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक, ठीक है, यू हैव टू टेक डैश ऑल ऑफ योर मेडिसिन, और इसका देखते हैं, बडी हेयर्स योर आंसर, यू हैव टू टेक ईच, यू हैव टू टेक ईच ऑफ योर मेडिसिन, ईच आएगा इसमें। और नेक्स्ट 19th हमारा है, और हम हाफ करने वाले हैं, 20 पे हाफ हो जाएगा, और फॉर इसका आएगा फॉर आवर होमवर्क, होमवर्क वी लिसन, वी हैव टू लिसन अ पॉडकास्ट, इसका आएगा टू लिसन टू डैट, वी हैव टू लिसन, आंसर ऑन मस्ट बी द आंसर ऑन, लिसन टू लिसन ऑन अ पॉडकास्ट, इसमें ऑन मस्ट बी द आंसर ऑन आएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से टू डैट, टू आएगा या ऑन आएगा, ऑन अ पॉडकास्ट, फिर चेक कर ले भी। हैव टू लिसन टू डैट, इसमें टू आएगा कि ऑन आएगा, इसमें आई थिंक चेक कर लेते हैं हम इसको क्या आएगा, इसका ऑन ही लिख देते हैं, बाकी इसको देख लेंगे। 20 हमारा मिड का क्वेश्चन है, यह मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज कंप्लेंड, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज कंप्लेंड द मैनेजमेंट, मैनी ऑफ द ओवर लो पे सैलरी इज वेरी सेंसिटिव, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज कंप्लेंड टू द मैनेजमेंट, टू द मैनेजमेंट ओवर टू द आएगा, टू द मैनेजमेंट, टू आ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट के जाते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जोसेफ डैश जोसेफ विल हैव रिटर्न हाउ हिम, ये नहीं आएगा,
बाय द एंड ऑफ जोसेफ विल हैव कंप्लीटेड हिज बुक, विल हैव कंप्लीटेड। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ हिज लीस्ट LEAST, ठीक है। और ये देखो मैं हाफ लिखता हूँ वो ऊपर कंप्लीट आ जाता है, ठीक है ना, तो ये आपने लाजमी हाफ लिखना है। थ्रू आउट दिस पोस्ट आई विल हेल्प द आंसरिंग वन ऑफ द लीस्ट जॉब ड्यूटीज प्रेजेंट इन द करंट आंसर इज प्रेजेंटेशन ड्यूटीज इज डैश प्रेजेंटेशन गिविंग टू गिव ऑफ गिविंग। इसका बेस्ट आंसर इधर अभी तक शो नहीं हो रहा, मुझे नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग में देखते हैं, इसको क्लिक करके देख देते हैं क्या आंसर आता है इसका। हमारा इसका आंसर है जी गिविंग। ये देखिए द करेक्ट आंसर इज ये लिखा हुआ है गिविंग, और गिविंग पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट इसको भी बैक कर लिया हमने। और ये तो ये जो शॉर्ट होते हैं ये बड़े आसान से होते हैं, सिंपली हमने लिखा यू नो हाउ टू स्कैम्बल। ये देखिए ऊपर खुद ही सजेस्ट करता है, मैंने दोनों स्क्रीनें आपको शो करवा दी, इससे ज्यादा और बंदा क्या कर सकता है आपके लिए। स्कैम्बल एग्ज डू यू, इसका आएगा डू यू और क्वेश्चन मार्क आ गया डू यू। ये देखें ये भी बड़ा शॉर्ट सा आंसर है हमारा, डैश वाजेंट WASN वाजेंट दी गैरेज क्लोज्ड लास्ट नाइट। ये देखें और इसका आंसर है व्हाई वाजेंट दी गैरेज, व्हाई इसका आंसर दे दिया व्हाई। अभी ये देखें हमारे ये 25 क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन रह गए, अभी हमारे पास 26 मिनट्स हैं, मीन कि हमने 14 मिनट में कितना अच्छा खासा टेस्ट क्लियर कर लिया हुआ, ठीक है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से मेरी दुआ है कि आप सब लोग भी ऐसे पास करें। और यहाँ पर हम लिखते हैं जेम्स और उसके बाद फिर डैश डालते हैं, फिर जैसी, आई थिंक ये जैसी है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आर गेटिंग प्रोमोटेड। ये उसने देखे गूगल खुद ब खुद डिटेक्ट करके बता देता है, बोथ आएगा, बोथ एंड, मेरे ख्याल से बोथ एंड ये आएगा, बोथ और एंड, आई थिंक बोथ और एंड आएगा, यही है बोथ एंड एंड बोथ जेम्स एंड यही आएगा बोथ और एंड। नेक्स्ट, खैर कोई एक दो गलत भी हो गए कोई इशू नहीं है, कम से कम पास करवाना मेरा फर्ज है आपको टेस्ट। लाइला के लाइला एंड रिको RICO रिको मूव टू स्पेन, ये देखे वो खुद ही गूगल सजेस्ट मुझे करता है। डैश दे स्टार्टेड अ कंसल्टिंग बिजनेस, आई थिंक इसमें वेयर आएगा, सिंपली सी बात है, वही वही बात हुई, वेयर इज द आंसर। और नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी गेस्ट आर वी एक्सपेक्टिंग, हाउ मैनी गेस्ट आर वी एक्सपेक्टिंग, और इसका जो आंसर आएगा हाउ मेनी गेस्ट आर वी एक्सपेक्टिंग, हाउ मेनी गेस्ट आर वी एक्सपेक्टिंग, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है क्वेश्चन मार्क ही आएगा क्योंकि एच आ गया ना, और एच फैमिली में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एच और वाई फैमिली में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आई थिंक आंसर यही है, ठीक है यही था इन माई ओपिनियन। और इसको गूगल पे लिखेंगे इन माई ओपिनियन, माई ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन, और उसके बाद आ जाएगा कोमा और आगे आ जाए इन माई ओपिनियन, आगे कोमा आ गया, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, आर बेटर देन एलमोट्स, होप इट हेल्प्स यू एज, इसका आंसर है देन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देन आएगा बेटर देन एलमोट्स, देन ही आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात थी यार, ऐसे गूगल कर लिया हमने। द डोरमैन और उसके बाद आएगा वॉन्ट, वॉन्ट अलो यू टू इंटर, और आगे कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा वॉन्ट अलाउ यू टू इंटर विदाउट यू प्रोवाइड, विदाउट यू प्रोवाइड आइडेंटिफाई विदाउट, ये इसका आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन आ गया माशाल्लाह से, द डैश न्यू हाउस
हाउस, और आगे आएगा हैड आ फिनिश्ड, FINI, फिनिश्ड बेसमेंट विद द वाइन सेलर। ये आ गया क्वेश्चन। और जॉनसन न्यू हाउस हैड दी जॉनसन, जॉनसन को मैं एस, पहले वाला जॉनसन आएगा। और नेक्स्ट करते हैं हम, और हमारा 31 क्वेश्चन आ गया। दी हॉस्पिटल नीड्स, दी हॉस्पिटल हॉस्पिटल नीड्स मूव मोर, और इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दी हॉस्पिटल नीड्स मोर डॉक्टर विद एक्सपीरियंस, मोर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आएगा ये वाला, और उसके बाद विद एक्सपीरियंस इन, विद एक्सपीरियंस आएगा, विद एक्सपीरियंस 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 एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस ये वाला आएगा, मोर मोर डॉक्टर्स, मोर डॉक्टर्स विद एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, यही आएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये तो आसान सा ही कोई होगा। मेक श्योर टू टेक योर शूज, मेक श्योर टू टेक योर शूज, आई थिंक इसका आएगा शूज ऑफ, शूज ऑफ, टेक ऑफ योर शूज हम बोलते तो हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑफ बिफोर, ऑफ बिफोर टू इंटर, बिल्कुल ठीक है, ऑफ ही आएगा। वही तो मैंने बोला, कॉमन सेंस की बातें भी कुछ आती हैं, हर चीज तो नहीं हमने करनी ना। और माशाल्लाह से हम 33 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आई यूजुअली, यूएस यू ए, आई यूजुअली डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक, और इसका देखते हैं, और इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर है डोंट ड्रिंक कॉफी। एक तो कॉफी आ गया बट, और आगे फुल स्टॉप कॉफी के, बट द कॉफी, बट द कॉफी दे सर्व, दे सर्व, बट द कॉफी दे सर्व, कॉफी और दी कॉफी आएगा, द कॉफी, कॉफी और दी कॉफी। नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा MERE मेरिडिथ, रियली RE रियली एंजॉयज स्टार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, राइटिंग आएगा इसमें, राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, और अभी देखें 35 पे पहुंच चुके हैं, अभी भी हमारे पास 20 मिनट है, मीन कि हमने 20 मिनट में सिर्फ, मतलब 35 क्वेश्चन का आंसर 20 मिनट में दे दिया, 5 क्वेश्चन का आंसर पीछे 20 मिनट अभी हमारे पास पड़े हैं, और हम इजीली होके अब इनको देंगे। अब ये पंक्चुएशन आ गई है हम, अच्छा पंक्चुएशन में क्या करना है, आपने जो कंप्लीट लाइन है ना वो लिख देनी है, ठीक है, पंक्चुएशन में, और वो खुद ही गूगल सजेस्ट कर देगा इसकी पंक्चुएशन कौन सी अच्छी है। विद दी ब्लैक डायल वाज रिपेयर्ड एंड रिटर्न, और इधर देखे पंक्चुएशन लग के खुद ही आ जाएगा, इसका आंसर आ चुका हुआ है, दी वॉच उसके बाद कोमा, और विद द ब्लैक डायल वाज के बाद कोमा, रिपेयर्ड एंड रिटर्न फुल स्टॉप, और दी वॉच के बाद कोमा, और उसके बाद कोमा आएगा वॉज के बाद, वॉच और वॉज के बाद कोमा, ये थर्ड वाला मेरे ख्याल से बेस्ट है, ठीक है, यही आता है। नेक्स्ट करेंगे, ये तो बड़ा इजी सा है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है। मिसिज MRS, मिसिज BRIAR चूज, चूज डैश फॉर द जॉब, चूज मी आएगा आई थिंक, ये तो शायद कॉमन सेंस की बात है, दे स्टिल स्टे, मी इज द राइट आंसर, वही बात हुई, मी आएगा, मिसेस ब्रा चूज मी फॉर द जॉब। और नेक्स्ट आएगा इस, ये भी पंचुएटेड है, ये भी कंप्लीट लाइन लिखेंगे, सैम डैड्स, डैड्स ट्रक TRUCK ट्रक वॉज फाउंड विद इट्स व्हील, सैम्स डैड, सैम्स आएगा पहले सैम, फिर कोमा डाल के एस आएगा, कोमा आप डाल के, फिर डैड के बाद कोमा डाल के एस, सेकंड वाला मुझे लग रहा है, वॉज फाउंड विदाउट इट्स व्हील इन दैट ओल्ड, नहीं आया, वॉज फाउंड विद इट्स व्हील, वॉज फाउंड विदाउट इट्स व्हील, ठीक है, फुल स्टॉप, आई थिंक ये सेकंड वाला आएगा, और ट्रक वॉज फाउंड विदाउट
इट्स व्हील ये वाला है, सेकंड वाला आएगा यार। और ये माशाल्लाह से हमारा टेस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। BRIAN ब्रियाना विल क्लीन द किचन, ये देखो खुद ही गूगल मुझे सजेस्ट करी जा रहा है, ठीक है। और ये आएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा आई थिंक ब्रियाना विल क्लीन द वाइल इसका आंसर है शायद, फिर भी चेक कर लेते। विल क्लीन द किचन वाइल एडवर्ड वैक्यूम द रग, वाइल आएगा। माशाल्लाह से हमारे लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हैं और आप उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इट रिमेन्स जिसका सबको इंतजार होता है और वो ही आ, इट रिमेन्स अनक्लियर वेन एवर इट इज मोर, और इसका जो आंसर है वो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिटेबल इसका आंसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट है वो एंड होने जा रहा है। आई थिंक हमें एंड कर देना चाहिए और चेक करते हैं कि क्या सिस्टम है इसका। हम टेस्ट हमने कितना पास किया, एंड टेस्ट करते हैं और एंड टेस्ट कर दिया हमने। यस करते हैं, यस, और अल्लाह पाक का देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा 8.2 मार्क्स आए हैं, हमारे हमारे 40 में से 33 हमारे करेक्ट हैं, और पासिंग स्कोर की जो रेशियो थी वो 6.0 थी, और हमारे माशाल्लाह से 8.2 हैं वो हमारे हो चुके हुए हैं माशाल्लाह से। और मेरे ख्याल से ये मेरा अब तक का बहुत बहुत अच्छा टेस्ट पास है, और विद इन, आप खुद अंदाजा लगा ले, विद इन 20 मिनट्स मैंने ये गूगल का यूज करके अपने जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है जो मैंने आपको करके दिखाई, जो कि आज तक शायद ही किसी ने करके दियो। और ये आपके सामने है फाइवर की स्क्रीन, और लाइव टेस्ट पास किया है विद मोबाइल यूज ईच एंड एवरीथिंग। और मेरा भी आप सब के लिए दुआ है मेरी भी, कि आप भी ऐसे ही टेस्ट पास करें, क्योंकि आप देखे ना मैंने आपके सामने कितना को टाइम लिया, सब क्वेश्चन मुझे गूगल ने सजेस्ट किया, और 8.2 बहुत अच्छा टेस्ट है। तो इनशाला इसको मैं, इसकी जो फीडबैक है वो इसको लेता हूँ, एंड प्रोवाइड फीडबैक, वो मुझे फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको 5 स्टार दे दिए, और बस ठीक है, इसको सबमिट करवा देता हूँ। माशाल्लाह से back to fiverr.com हमारा जो टेस्ट है वो मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर टेस्ट भी पास कर दिया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए फाइवर इंग्लिश टेस्ट पास्ट 8.2 रेशो, ये देखो पहले मेरा 6 पॉइंट कुछ था। तो मेरी सबके लिए दुआ है कि आप भी टेस्ट पास करें, और इंशाल्लाह ऐसे ही मजीद वीडियोज आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।